अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की जो रेसिपी है वो एक स्वीट रेसिपी है और इसमें हम बनाने वाले हैं लड्डू, जो ऑल टाइम फेवरेट हैं और आई थिंक सभी के लिए वो फेवरेट होते हैं और स्पेशली मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी के मिक्स करके लड्डू। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा रवेदार बनते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। आप जस्ट कम घी में अगर आपको कोई सी चीज़ बनाना है तो आप जो है इन लड्डुओं को बना सकते हैं ईज़िली। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं घर के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो चलते हैं जी हम इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है बेसन। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है। ये हमने जो है घर में ही इसको बनाया था बेसन को, क्योंकि ज़्यादातर बाहर जो होता है तो उसमें मिलावट हो जाती है। और यहाँ पर हमने 3/4 कप सूजी ले रखी है, मतलब बेसन से एक हिस्सा जो है वो कम हमने लिया है सूजी का। ठीक है जी, इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे घी। तो ये मिक्स हो गया है और इसके अंदर हम डालते हैं घी। 4 से 5 टेबल स्पून डाल दें। ये मैं टी स्पून से डाल रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, मतलब 5 से 6 टी स्पून डलेंगे। और अगर आप टेबल स्पून से डालेंगे तो 4 से 5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। ठीक है, हल्का सा ये गीला हो जाए, जस्ट आपके हाथ में ये जो है थोड़ी सी मुट्ठी बन जाए, मोयन हो जाए इसका। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ इसको मिलाकर, ये अभी हमारी सेट नहीं हो रही, थोड़ा सा और मिक्स कर लिया है मैंने इसको। और ये देखें जी, अब मैं आपको हाथ में लेकर बताऊंगी तो ये इसका जो मिक्सचर है बाइंड हो रहा है हाथ में लेने से, और एकदम ज़्यादा ढीला भी नहीं है और एकदम ज़्यादा टाइट भी नहीं है। हल्का सा इसमें मोयन आ चुका है और अब हम इसमें बैचेज में हम इसमें पानी ऐड करके इसको डो बना लेंगे। इससे पहले हमने डाल दिया है इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ठीक है जी, खुशबू के लिए है। इसके बाद हम बैचेस में पानी डालेंगे, ग्रेजुअली डालें। और एक इसका अच्छा सॉफ्ट, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनना चाहिए डो और ज़्यादा टाइट भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे क्योंकि हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, तो ये जो है सूजी इसके अंदर पानी ऑब्जर्व कर लेगी तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने मिक्स कर लिया है, बस हमने एक जस्ट थोड़ा सा हमने मिला लिया है और इसको 20 मिनट्स के लिए कवर करके और बाहर ही रखना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। ठीक है, 20 मिनट के बाद हमने ये जो है थोड़ा सा ये जो सूजी है उसने पानी ऑब्ज़र्व कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा टाइट नहीं है। अब हमें क्या करना है, हल्का हाथों से आप इसको कोई भी शेप दे दें अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमें लड्डू नहीं बनाना है, अभी हमें इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, अब आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिक शेप में बना रही हूँ क्योंकि जस्ट अभी हमें इसको फ्राई करना है। ठीक है, बस अभी हमने इसको ये सारे हमने शेप्स दे दिए हैं, ये दो लास्ट के भी हमने तैयार कर लिए हैं। और इसका शेप आप देख सकते हैं, कोई इवन शेप नहीं दिया हमने इसको, एक रफली सा जस्ट हमने इसको बाइंड कर दिया है। इधर हमने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। अगर आप इसको तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको तेल में फ्राई कर सकते हैं। और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है, कम आँच पर हमें फ्राई करना है और 15-20 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसका और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से, और इसमें हमने घी डाला है इस वजह से ये बहुत सॉफ्ट होंगे अंदर से। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से, क्योंकि ये अंदर तक सिक जाए इतना हमें इसको 15-20 मिनट लगेंगे जस्ट आपको अच्छे से इसको सिकने में। और ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद ये अच्छे से गोल्डन से हो गए। अब हम इसको बाहर निकाल लेना है और जस्ट इसको ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल रवेदार हो जाएंगे। जब तक वो ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसका सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ हमने चाशनी के लिए लिया है 1 कप शुगर और उसमें 1/2 ग्लास हमने पानी डाल दिया है। ठीक है जी, इसका हमने शुगर सिरप तैयार करना है और ये मेल्ट हो जाए उसके बाद 6 से 7 मिनट आप इसको और पका लें तो आपका ये जो है एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से कुक कर लें और ये देखें हमारी शुगर जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। और अभी इसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट कम है, मतलब ये हमें बनाना है और इसमें अभी एक तार नहीं बन रहा है, थोड़ी देर और पकाते हैं और फिर ये तैयार हो जाएगी। तो हमने दोबारा से चेक कर लेना है, एक कटोरी में आप थोड़ा सा इसको लें और ये देखें अभी भी थोड़ा सा इसमें कसर है, अभी एक तार नहीं बन रहा है और
थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद इसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये हम करने रख देते हैं ठंडा। ये ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं, और ये जो हमने मुठियाँ बनाई थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, और अब हमें इसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेना है। और अभी ये थोड़ी सी गर्म है इसलिए हम इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद ये थोड़ी देर में ही ठंडी हो जाएंगी। और ये देखें, आप तोड़ने पर आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ़्ट बनी हुई है, मतलब ये जो हमने कम आँच पर इसको फ्राई किया है इससे ये अंदर तक सिक भी गई है और अच्छे से सॉफ़्ट भी हो चुकी है। ज़रा से हाथ से ही मसलने पर ये बढ़िया रवेदार हो रही है। तो इसको हमने जल्दी जल्दी फटाफट से तोड़ लेना है, और बाकी सारी चीज़ों को भी हमने, ये पूरी हमने तोड़ लिया है। ठीक है जी, ये सारे क्रश हो गए। अब हमें लेना है इनको एक छोटे से मिक्सर में, और इसको हमने बारीक से इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है जी, तो ग्राइंड करने के लिए हमने एक मिक्सर ले लेना है। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और लड्डू तो सबसे ज़्यादा सबको ही पसंद आते हैं घर में। तो ये देखिए जी, हमने जो है इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका बारीक पाउडर बना लिया है, और पाउडर जो है वो बिल्कुल रवेदार बना है क्योंकि ये अंदर से सिक चुका था। हमारा बेसन और सूजी बिल्कुल कच्चा नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको कम फ्लेम पर सेका था, मतलब फ्राई किया था। अब ये देखें जी, हमारा मिक्सचर एक एक कटोरी, अगर आप मेज़र करें कि सिर्फ 2 कटोरी से कम ये मटेरियल था, और इसका जो लड्डू है वो अच्छे खासे कम से कम आधा किलो बन जाएंगे। और ये देखें जी, हमने थोड़े से इसमें मगज़ मिला दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने फेवरेट जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप हल्का सा घी में रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। ये हमने जो हमने चाशनी बनाई थी वो ठंडी हो गई, और अब हम इसमें मिला देना है। बैचेस में डाल दें आप, क्योंकि ज़्यादा एकदम चाशनी भी नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे से बन जाएं, वो ज़्यादा बिखरे ना, इतनी हमें इसमें चाशनी मिलानी है। ठीक है, एकदम सूखा भी ना रहे हमारा जो मिक्सचर है, और ना ज़्यादा एकदम गीला हो, क्योंकि ज़्यादा गीला बनता है तो वो ज़्यादा स्वीटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी और आपके जो लड्डू हैं वो बहुत चिपचिपे हो जाएंगे। ठीक है जी, हमने जो चाशनी बनाई थी वो सफिशेंट थी, तो हमने इसमें जो है अब इसमें ये लड्डू बनाने लायक हो चुके हैं। अब हमें हल्के हाथों से दबाते हुए इसको लड्डू की शेप दे देना है, और साइज़ आप अपने हिसाब से रख लें। छोटे छोटे लड्डू बनाना चाहें तो वो बना लें, या फिर बड़े बनाना चाहें वो बना लें। मैंने जो साइज़ होता है लड्डू का नॉर्मली, वही साइज़ मैंने बनाया है। ये देखिए जी, ज़्यादा गर्म भी नहीं है इसलिए आराम से आप हाथ से बना सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टिकी होंगे तो आपके हाथ में चिपकेगा, लेकिन हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट थी इसलिए जो हाथ में है वो भी इसमें ज़्यादा स्टिकी नहीं हो रहा है। और मगज़ डले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बाज़ार जैसा लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं कितने रवेदार लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप यकीन मानिए, आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो हम सारे लड्डू इसी तरह से बना कर तैयार कर लेते हैं। तो जनाब, हमारे सारे लड्डू जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी हल्के से गर्म हैं, और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो आप एक दफ़ा और इसको अपनी हथेली से थोड़ा सा आप शेप देंगे गोलाई में, तो ये और ज़्यादा चिकने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक परफेक्ट शेप ले लेंगे। और ये मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, ये देखिए जी, अंदर से भी वो उतने ही रवेदार हैं जितने बाहर से दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट से आप लेते हैं तो आराम से अच्छी खासी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, लेकिन ये एक सस्ता नुस्खा है, आप घर में बनाएं और इन्जॉय करें। और हमेशा से ही मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जिसको बनाने में मेहनत भी कम लगे, और चीज़ें जो भी यूज़ हो वो इजीली आपके घर में अवेलेबल हो जाएं और झटपट से तैयार हो जाए। तो आप भी मेरी रेसिपी को जो है वो ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगे हैं। मिलते हैं अगली रेसिपीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।